गाइज आज के फ्रेश एंड कमाल न्यू ब्लॉग एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइज आज मैं जाने वाला हूँ कैप क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान। सो वैसे मैं अभी पटना में हूँ अनीसाबाद, और फुलवारी शरीफ का आपको मैं व्यू सीनरियो दिखाने वाला हूँ कि आखिर लॉकडाउन जब से लगा है और जब से कोरोना का चल चुका नया ओमिक्रॉन वायरस, तो कैसा आपको दिखता सीनरियो अनीसाबाद, फुलवारी शरीफ और दानापुर का। तो आपको मैं सभी जगह दिखाने वाला हूँ, और क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान में भी क्या प्रैक्टिस चल रही है या पूरी तरह से बंद है, वो सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइज आज का जो डेट है आपको 11 जनवरी 2022। तो चलिए आपको आगे मैं वीडियो दिखाता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा सभी चीज़, आपको मैं अच्छी तरह से पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। फाइनली हम दानापुर के ओवर ब्रिज पे उतर चुके हैं। देख सकते हैं जब बाय रोड से उतरते हैं तो आपको यहीं पर उतारा जाता है, और यहाँ से आप सीढ़ियों के आपको नीचे जाना पड़ता है, और देख सकते हैं बिल्कुल नीचे एग्जैक्टली दिख रहा होगा आपको दानापुर। गाइस ये दानापुर स्टेशन है, ये आपको लंबी दूरी दिख रहा होगा, यहीं दानापुर स्टेशन ख़त्म होता है और यहाँ से क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान शुरू हो जाता है जो हल्का अंदर जाता है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ पूरी अच्छी तरह से और आपको पता चल जाएगा। और वहाँ का कुछ इंडोर स्टेडियम भी है, इंडोर में जो वहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाता है वो भी वहाँ पर है, वो भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको सभी चीज़ पता चल जाएगा। देखिए गाइस ये रेड कलर में दिख रहा है, यही क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान का ऑफिस है, और यही ग्राउंड है चारों तरफ से, तो यही रास्ता एंटर करने का है जो आप क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान जा सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर बोर्ड लगा हुआ दिख रहा होगा क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान का। तो चलिए और अंदर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ पूरी अच्छे तरह से। देख सकते हैं शायद अभी बंद लग रहा, पूरी तरह से बंद नहीं, कुछ बच्चे तो दिख रहे हैं। तो चलिए और अंदर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, और मैं बात करता हूँ अपने बैग के बारे में। इस बात कुछ ऐसा है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसके लेकर अभी इसके अंदर सर ऑफिस में नहीं बैठे हुए थे, जैसा कि हमने गार्ड से बात किया तो इसके अंदर कुछ बच्चे ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो सर भी जो आपको बताया था वहाँ पर एक इंडोर बना हुआ ग्राउंड है, उसी के अंदर प्रैक्टिस चाहे जो भी चीज़ होता है उसी के अंदर होता है, वहीं सर मिलेंगे। और वहीं पर एक दुकान भी है जो न्यू काइट स्पोर्ट्स नाम से है। तो चलिए वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पर का भी कुछ नज़ारा।
की है जो क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान। तो गाइज हमने जैसा कि ऑफिस गया कैप का और वहाँ पर हमने सर से बात किया था, वहाँ पर भी उसके बैग के लिए जो है बैग बहुत छोटा था, इसलिए फिर अभी नहीं ले पाया और शायद आगे आने वाले दिनों में ले पाए। क्योंकि जब हम ऑफिस गए, ऑफिस के सामने आपको इंटर करने के लिए आपको कैप के अंदर मिलता है जो ग्राउंड है, जो दिख रहा है ये ग्राउंड, लेकिन वो अभी ओपन नहीं था क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से किसी को अंदर जाने के नहीं दिया जा रहा और पूरा बंद कर दिया गया। देख सकते हैं पूरा खाली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जितना आप नज़र पड़ रहा होगा सिर्फ दो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, पिच की कुछ अच्छे तरह से बना रहे हैं, पिच को अच्छे से मरम्मत कर रहे हैं। और यहाँ पर भी दो पिच अलग से देख सकते हैं न्यू बना है और पूरा काम चल रहा है। यही नज़ारा क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान का। और शायद और आगे मुझे टाइम मिलेगा और जब मैं यहाँ प्रैक्टिस करने आऊँगा क्रिकेट, तो आपको और अच्छी तरह से मैं दिखाऊँगा और सभी जगह अंदर जाकर आपको दिखाऊँगा, इंडोर स्टेडियम का भी दिखाऊँगा। वहाँ भी लॉक था इसीलिए मैं वहाँ भी नहीं दिखा पाया। तो गाइस चलिए और आगे चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इसी के बारे में और यहाँ के बारे में। जब आप ओवर ब्रिज के पूरे ऊपर आते हैं और जब यहाँ से नज़ारा देखते हैं क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान का, देख सकते हैं कितना अलग नज़ारा दिख रहा और पूरे 360 व्यू में दिखता, देख सकते हैं पूरी तरह से अच्छी तरह से दिख रहा और बहुत ही तगड़ा नज़ारा लग रहा, देख सकते हैं। तो चलिए और आगे का सफ़र आपको मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता आपको। पहुंचने वाले हैं। तो गाइस आजकल ब्लॉग यहीं तक रहता है और गाइस मैं आपको सभी चीज़ दिखाया जहां मैं प्रैक्टिस करता था क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान, और अभी तो फिलहाल वो बंद है, और आपको कुछ सीनेरियो दिखाया जो अनिसाबाद, फुलवारी शरीफ और दानापुर तक का जो मार्केट का सीनेरियो है अभी लॉकडाउन के लिए, तो वो सब चीज़ आप देख चुके हैं। और शायद मैं और आगे आने वाले दिनों में मैं आगे जाऊँगा कैप, तो मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊँगा और वहाँ का ब्लॉग वीडियो आपको एक डेडिकेटेड उस टॉपिक पे शूट करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, वीडियो पसंद प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल पर और कीजिएगा। अगर आपका कुछ भी सुझाव हो और किसी भी तरह का टॉपिक सजेस्ट करना वो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।